बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 जॉब्स के हवाले से, जहां इस वक्त पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 112 में बहुत शानदार जॉब्स अनाउंस की जा चुकी है, जिन पर तमाम पंजाब इजला वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मेथड की अगर हम बात करें तो इस पर अप्लाई करना ऑनलाइन है, और तालीमी काबिलियत की अगर हम बात करें तो इस पर मैट्रिक और डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट का पूरा डिटेल मिल जाएंगे, और आप लोग इस पर अप्लाई किस तरह करेंगे वो तरीका भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएंगे, आप लोग इस पर क्लिक करें, या आप लोग गूगल में सर्च करें रोजगार इन पोर्ट 65 तो फर्स्ट वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक होने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को टुडे न्यू जॉब में मिल जाएंगी रेस्क्यू 1122 जॉब 2021। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक होने के बाद जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट का डिटेल आ जाएंगे, और आप लोग इस पर अप्लाई किस तरह करेंगे वो लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रेस्क्यू 1122 पंजाब। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक डिप्लोमा। जॉब लोकेशन की बात करें तो पंजाब है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 5 नवंबर 2021 तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122। यहां पर जो पोस्ट है दोस्तों ये है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT की, जिनकी स्केल 11 है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इस पर नर्सिंग या पैरामेडिकल डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 30 साल तक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ही पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट रीड कर सकते हो, 36 इजला में ये जॉब अनाउंस की गई है। आप दोस्तों बात करते हैं कि इस पर अप्लाई किस तरह करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग PTS की वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहां क्लिक हियर या नीचे एडवर्टाइजमेंट के नीचे आप लोग एक रेड कलर का बटन मिल जाएंगे अप्लाई, तो आप लोग इस पर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका दोस्तों ऑनलाइन है। इसके अलावा आप लोग बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आप लोग यहाँ क्लिक हियर पर या नीचे बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट PTS की वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इसका एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएंगे, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो या रीड करना चाहते तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट को रजिस्टर करें। अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए आप लोग यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले अपने अकाउंट को साइनअप करेंगे। अकाउंट को साइनअप करने के लिए आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आप लोग सबमिट पर क्लिक करके आप लोग अकाउंट रजिस्टर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे, जैसा कि CNIC नंबर और पासवर्ड को एंटर करके आप लोग लॉग इन करें। इसके बाद आप यहां पर प्रोफाइल कंप्लीट करके ऑनलाइन अप्लाई करें, बैंक में फीस जमा करें, या आप लोग GScash या ईजी पैसा के जरिए भी आप लोग फीस जमा कर सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की फोटो कापीज और चलान फॉर्म को आप लोग PTS की वेबसाइट पर सेंड करेंगे। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में मसला हो या अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के साथ इनका मुकम्मल तरीके शेयर करूंगा कि आप लोग इस पर अप्लाई किस तरह करेंगे। तो ये था आज का हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।